हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे हैं और निशान यात्रा करना चाहते हैं तो रिंगस से खाटू की दूरी कितनी है, निशान यात्रा कैसे की जाती है, निशान का पूजन अर्चन कैसे होता है, श्री श्याम निशान भवन कहाँ पर है, ये आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप एक ट्रेन का टिकट बुक करिए और तुरंत आ जाइए रिंगस। रिंगस जंक्शन से आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगी शेयरिंग ऑटो जो 10 रुपये पर पर्सन आपसे चार्ज करेगा और छोड़ देगा श्री श्याम निशान भवन। हमने यहाँ आने के लिए बाई रोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। हम कानपुर से बाई कार निकले खाटू के लिए, जिसमें हम 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करके पहुँच गए खाटू। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से तोरण द्वार के आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा दी गई है और हमें मल्टी लेवल पार्किंग में भेज दिया गया, जिसमें हम 100 रुपये दे करके गाड़ी पार्क कर दिए। फिर पहुँचे हम धर्मशाला में, श्री श्याम बहादुर सेवक संघ ट्रस्ट है, इसमें 300 से लेकर 600 रुपये तक में आपको रूम मिल जाएंगे। ये बालाजी पार्किंग के ठीक सामने है। फिर हम अपने रूम से नहा धो करके फ्रेश होकर के निकले, आ गए तोरण द्वार के पास। यहाँ आके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, वीडियो निकाले। उसके बाद हम एक शेयरिंग ऑटो लेकर के डायरेक्टली पहुंच गए रिंगस। उसने हमसे 25 रुपये चार्ज किया और हमें ड्रॉप कर दिया श्री श्याम निशान भवन के बाहर। ये वही जगह है जहां से निशान उठाया जाता है और आप देख सकते हैं काफ़ी भक्त यहां पर निशान लेकर के यात्रा करने की तैयारी में है। ये साफा वाले श्री श्याम निशान भवन के बाहर ही आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी साफा बंधवा सकते हैं। गाइस, अभी हम खड़े हैं श्री श्याम निशान भवन के बाहर में और लेने जा रहे थे निशान। तो निशान लेने से पहले हमने बंधवाया हुआ है साफा, भाई साहब इन्होंने पहनाया हुआ है। जय श्री श्याम बोलना भैया। और ये 100 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, जिसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो ये आप देख सकते हैं जो हमने बांधा हुआ है येलो कलर का, दूसरा ये है पिंक कलर का। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं निशान की दुकान पर और हमने साफा अपना बंधवा लिया है। यहाँ पर कई टाइप के निशान मिल जाएंगे, इनकी वैरायटीज अलग अलग हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में बता देते हैं। पहला तो ये मिलेगा जो कि 100 रुपये का है, इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लू कलर, येलो कलर और पिंक कलर। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अगर बड़े में लेंगे, अगर इस टाइप का लेते हैं, ये मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसका 200 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। इतना बड़ा लेना चाहते हैं तो ये कितना, 10 फीट में है? हाँ, 10 फीट का बांस है ये। 10 फीट का बांस है और इसकी प्राइस है 250 रुपये। 250 रुपये। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और जैसी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग निशान सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे मंदिर में, वहाँ पे दिखाएंगे पूजा कैसे की जाती है। निशान की पूजा करने के लिए दोस्तों यहाँ से पूजा की थाल लेनी पड़ती है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये आप देख सकते हैं। ये है निशान भवन और उसके ठीक बगल में ही यहाँ पर आपको पूजा की थाल मिल जाएगी। पूजा की थाल लेने के बाद आप आ जाइए निशान भवन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आपको पूजा करते हुए दिख जाएंगे। किसी भी टेबल पर आप अपना निशान रखिए, आरती की थाल रखिए और भगवान का नाम लीजिए, उनका पाठ करिए, धूप बत्ती जलाकर आरती करके भगवान के जयकारे के साथ अपना निशान उठा लीजिए। बोलो हारे के सहारे की, बोलो श्याम प्यारे की। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम अपने श्री श्याम निशान भवन से बाहर निकल चुके हैं निशान लेकर के और बाबा का नाम लेकर यात्रा स्टार्ट कर दी है। अभी आज के डेट में है 22 जुलाई और रात के बज रहे हैं 1:10। अब आगे हम आपको बताएंगे कि हम कितने बजे वहां पर पहुंचते हैं। और मौसम काफ़ी सुहावना है, बहुत ठंडा मौसम है। दिन में इसलिए नहीं करना प्रिफर किया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और रात में फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए रात में कर रहे हैं ताकि सुबह मंगला आरती के टाइम तक पहुंच जाए।
यात्रा करते टाइम आपको बहुत सारे भक्तगण ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पर डीजे वगैरह लेकर के आते हैं। इनके साथ अगर आप नाश्ते गाते हुए जाते हैं तो ये जो 16 किलोमीटर की पद यात्रा है ये कब खत्म हो जाएगी आपको इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह के बज चुके हैं 6 और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने अपनी जर्नी रात में 1:10 पर स्टार्ट की हुई थी। आज हमें 5 घंटे इसलिए लग गया क्योंकि रास्ते में जो दोस्त लोग थे वो थोड़ा सा आराम से आ रहे थे और बहुत जल्दी आने का कोई सेंस भी नहीं था। इजली अगर आप आएंगे तो 4 घंटे सफिशियंट है, उसके बाद आप दर्शन पा जाएंगे। मंदिर इस टाइम 24 घंटे खुली रहती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आए तो कोशिश करें थोड़ा शाम को जल्दी आ जाए, नहीं तो रूम वगैरह मिलने में भी आपको दिक्कत होती है। फिलहाल हम अपने रूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे देंगे। अब चलते हैं हम आगे मंदिर की तरफ। वैसे तो हमेशा खाटू में भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन अगर आप 7 दिन में से थोड़ा सा रस अवॉइड करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को यहाँ का प्लान ना करें। सैटरडे संडे को यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अदरवाइज किसी भी दिन आएंगे तो भीड़ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, दर्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ये बाबा श्याम का मंदिर है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हम आपको वीडियो में दर्शन नहीं करा सकते। आप यहाँ पर आइए, पूरी श्रद्धा से बाबा के दर्शन कीजिए, उस टाइम थोड़ा सा वीडियोग्राफी अवॉइड करिए क्योंकि यहाँ पर आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और निकलते टाइम अपने घर के लिए सभी लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रसाद या फिर जो भी सामान लेके जाना चाहें जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करिएगा और उनको शेयर करिए जो बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, राधे राधे।